दीदी मेरी बात सुने प्लीज, प्लीज चल के गाड़ी में बैठे आप, गाड़ी में बैठे। नहीं बैठूंगी मैं। अच्छा देखें, अगर मुझसे कोई गलती होगी है तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दें, वो लोग देख रहे हैं गलत मतलब निकालेंगे। आप शायद नाराज हैं मुझसे। मुलाजिमों पर गुस्सा किया जाता है, उनसे नाराज नहीं हुआ जाता। चलें ये भी अच्छा हुआ, आप मुझ पर गुस्सा कर लीजिएगा लेकिन नाराज मत होइएगा। इस फजूल बात का क्या मतलब है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि गाड़ी रोको। मैं कह रहा था कि मैंने कहा गाड़ी रोको। देखिए मुझसे किसी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती, बस। तुम गाड़ी रोकते हो या मैं चीखे मारूं? रोको गाड़ी। गेती क्या हो गया? गेती मेरी बात सुने प्लीज, प्लीज चल के गाड़ी में बैठे हैं आप, गाड़ी में बैठे। नहीं बैठूंगी मैं। अच्छा देखें, अगर मुझसे कोई गलती होगी है तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दें, वो लोग देख रहे हैं गलत मतलब निकालेंगे। चल भले देखें, मैं रक्षे टैक्सी में घर चली जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अब देखिए, अगर आपकी बाल साहब ने आपसे पूछा कि आप क्यों नहीं आई थी तो क्या बताएंगी उन्हें? वो नाराज होंगे, प्लीज चल के गाड़ी में बैठे। नहीं अबे देख देख, लगता है बीवी रुड़ गई, उसको मना रहा है। गधे, अंधे, जलील, अकल नहीं तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? चले मैंने आपको मना भी किया था कि इस तरह सड़क पे नहीं निकले आप। चल के छोड़ो मेरा हाथ। नहीं आज जब तक आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे। छोड़ो मेरा।